जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट कर दें। सुशांत, जसरोटिया और कोनिका ने कमेंट कर दिया है। बाकी सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट कर सकते हैं, और जिनके पास अभी लिंक नहीं पहुंचा है, एक दूसरे के साथ शेयर कर दें। आज यहाँ पे नाइस रिडक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो अंकिता राजपूत ने कमेंट कर दिया। सबसे पहले मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ ताकि आपको इतनी नाइस ना सुनाई दे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, MCQ हमारे 300 तक हो चुके थे। बाकी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से कमेंट कर दें, इतनी जल्दी जल्दी शेयर करें। अभी 4 स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ है, तो 301 मल्टीपल हम स्टार्ट करने वाले हैं। तीन सौ एक नंबर वाला जो मल्टीपल है, इसमें पूछा गया है सिग्नल कैन बी एनालॉग और डिजिटल एंड अ कंप्यूटर दैट प्रोसेस द बोथ टाइप ऑफ सिग्नल इज नोन एज। तो आपको क्या बताना है, आपको देखिए जो कंप्यूटर है, जैसे एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, तीन प्रकार के कंप्यूटर कैटेगराइज किया गया है। तो करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आपको बताना है, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल को प्रोसेस करता है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, ये इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, कि जो इनपुट होती है वे कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता है, ये आपको पता होगा। डिजिटल कंप्यूटर का आपको पता ही है, हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं ये डिजिटल कंप्यूटर होता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, रिसेम्बल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। जब भी आपकी ये बात आ जाती है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर बोथ टाइप सिग्नल दोनों कौन सा प्रोड्यूस करता है, तो इसकी इसका जो आंसर है सी पार्ट है, हाइब्रिड कंप्यूटर। पंकज कल्होत्रा और प्रियंका शर्मा ने अभी कमेंट किया हुआ है। जितना जूम हो सकता था मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम कर दिया है, तो अब आप अपनी थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। विधि शर्मा ने भी कमेंट कर दिया है। तो सिग्नल कैन बी एनालॉग और डिजिटल एंड कंप्यूटर दैट प्रोसेस द बोथ टाइप ऑफ सिग्नल इज नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, कि जो हमारे एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल प्रोसेस कर सकते हैं, दोनों प्रकार के, ये जा रखना आपको। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है आपका जैसे थर्मोमीटर है, जैसे थर्मोमीटर है, एंड फाइनली थर्मोमीटर हो गए एक एग्जांपल, स्पीडोमीटर दूसरी एग्जांपल, और ये ICU वगैरह में लगे होते हैं। आपको पता है ये हॉस्पिटल वगैरह में ICU में ये यूज़ होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दीपाशा शर्मा ने अभी कमेंट किया हुआ है, फाइनली आपको ये पता चल गया हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करते हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल प्रोसेस करते हैं, ये आपने जा रखना है। और एनालॉग का आपको बताइए, जैसे मैं बताता रहता हूँ, अमीटर इसकी एक एग्जांपल हो सकती है। तो ये आपको जा रखना है, एनालॉग इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, ये भी जा रखें हमेशा। करण ने अभी कमेंट किया सी पार्ट इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क कर दिया है, आप कॉपी पर नोट कर लेना इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड एज, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं, जब प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं, जब मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो राजू शर्मा ने कमेंट किया हुआ ए पार्ट, बिल्कुल राइट आंसर है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज जितनी भी है वो आपकी सारी की सारी किस्में आती है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे आपकी सी है, सी प्लस प्लस है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, ये सारी आपकी प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये आपने जा रखना है। तो सभी ने, कोनिका और प्रियंका ने भी बिल्कुल राइट आंसर किया ए पार्ट।
एंड फाइनली अब मैं क्या किया करूँगा, जिसका फर्स्ट कमेंट आया करेगा दो तीन का, उनका ही नाम लूँगा। बाकी वाले देखिए, क्योंकि वो एक दूसरे को देख के कमेंट करेंगे तो वो लेट करते हैं, या तो फिर कमेंट जल्दी कर दें। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी टाइम बाद रिप्लाई करते हैं, तो वो नेक्स्ट मल्टीपल पे जाना होता है। तब हमने विच कंपनी इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री के बीच अगर आप देखा जाए तो सबसे बड़ा, जो आपको पता है यहाँ पे मैंने एक आपको फोर्थ जनरेशन में बताया था कि किस कौन सी कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर निकाला था, ये मैंने बताया था, तो वही उसका राइट आंसर है। जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट कर दें। और यहाँ पे सुशांत जसरोटिया, प्रियंका शर्मा ने बोला वो है सी पार्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने बोला था जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया था आपका इंटेल 4004 आया था, ये आपका कौन सा आया था, फोर्थ जनरेशन के अंदर आया था। और जो बिगेस्ट प्लेयर इन दी माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री के बीच में, वो भी इंटेल है। अभी भी आप देखते हैं कि ज़्यादातर यूजेस इंटेल के प्रोसेसर यूज़ होते हैं। तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ है सी पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है ये, आपको याद रखना है। अब ये वाला जो मल्टीपल है ये बेसिक वाले सारे बच्चे बता सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया, मैं ये बता देता हूँ, द ब्लिंकिंग पॉइंट, ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज़ योर पोजिशन इन द टेक्स्ट इज़ कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं। जब हम एमएस वर्ड में लिखते हैं तो आपको पता ही है कि एक हमारे पास ब्लिंकिंग लाइन आती है, ब्लिंकिंग पॉइंट आता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी टेक्स्ट की पोजीशन कहाँ पे है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या उसको हम ब्लिंकर बोलते हैं, क्या उसको हम कर्सर बोलते हैं, एंड जहाँ हम उसको पॉइंटर बोलते हैं, तो आप ये बता सकते हो। तो हनी शर्मा ने अभी कमेंट किया हुआ है, बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को पता होना चाहिए ये चीज़, किसी को भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक दिन पहले ही बता दिया था ये। तो अंकिता, सुशांत जसरोटिया, कोनिका और प्रियंका शर्मा ने बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ है कर्सर। देखिए थिन ब्लिंकिंग लाइन की जब भी बात होती है वो हमारा कर्सर होता है, और माउस इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस, ये आपको याद रखना है, लेकिन थिन ब्लिंकिंग लाइन आपका कर्सर होता है। काफ़ी सारे बच्चे इसमें डाउट खा जाते हैं, तो इसका बी पार्ट आंसर है, याद रखें इसका बी पार्ट आंसर है। और ये मैंने आपको बताया भी था एक दिन प्रैक्टिकली, और विधि शर्मा और राजू शर्मा ने बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ है। यहाँ पे पूछा गया, ये आपको करना नहीं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, नंबर क्रंचर इज़ द इनफॉर्मल नेम फॉर, तो जो ये होता है ये आपका सुपर कंप्यूटर के लिए होता है, इसका भी बी पार्ट आंसर है। ये वाला जो मल्टीपल है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आ चुका है। रेड स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म में काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि फुल फॉर्म जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं वो लगभग लगभग सेम ही दिए हुए हैं दोनों, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है, ये आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो रेड्स यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज, जा रखें टाइम सीरीज। प्रतीक शर्मा ने भी अभी कमेंट कर दिया है रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे प्रतीक शर्मा, प्रियंका शर्मा, जिनकी पेंडिंग फीस रहती है वो सारे सबमिट करवा देंगे, आज लास्ट डेट है, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो फाइनली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी वो पर्सनल मैसेज कर देना, एंड बाकी वाले और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी नहीं करवाई है सबमिट, तो वो करवा देना। बाकी वालों को मैंने रसीद दे दी थी, अगर किसी की रिसिप्ट रहती है तो वो भी बता सकता है मुझे। रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज, तो ये आपने जा रखना है, इसका ए पार्ट आंसर है। और क्लास डेली लगाया करो, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, जैसे पंकज गल्होत्रा है, ये कमेंट करता है स्टार्टिंग में, बाद में एंड में जब हम अटेंडेंस लेते हैं तो फाइनली कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, दो तीन स्टूडेंट ऐसे हैं, तो इनको ध्यान रखना, बाद में नहीं कहना कि हमने पूरी क्लासेस अटेंड की थी। बेसिकली मैं लास्ट में अटेंडेंस लेता हूँ, मैं बीच में भी ले सकता हूँ अटेंडेंस, वो मेरी मर्जी है। तो रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज रैट्स की फुल फॉर्म है। ये पूछा हुआ है विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कम्पैक्ट डिस्क, सीडी, सीडी आपको पता है, सीडी की फुल फॉर्म आपने बताया था कम्पैक्ट डिस्क, और सीडी रोम की फुल फॉर्म थी कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर है आपका लेज़र, जा रखें लेज़र इसका आंसर है, डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट वाले मल्टीपल पे जा रहे हैं, ये वाला मल्टीपल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके सिलेबस में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है तो ये सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल है,
आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि कंप्यूटर में आपको पता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक टॉपिक है पूरा का पूरा। सॉफ्टवेयर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं। अब बग क्या होता है, बग इज एन एरर इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। हमारे सॉफ्टवेयर में जब भी कोई एरर आ जाता है, कोई खराबी हो जाती है, तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बिना पैसे दिए सॉफ्टवेयर को फ्री में ठीक कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट के थ्रू ये जा रखेंगे अवेलेबल एट इंटरनेट। बट उसको बोलते क्या है ये आपको बताना है, क्या उसको हम ट्यूटोरियल बोलते हैं? ट्यूटोरियल तो नहीं बोलेंगे भाई, क्लास तो दे नहीं रहे कि ट्यूटोरियल बोलेंगे उसको। वर्जन एड ऑन एंड पैच तो सभी कमेंट कर सकते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं, जल्दी से कमेंट कर दें। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, अगर आप ऐप के हिसाब से देख रहे हैं तो आप बोलते हैं कि हम वर्ज़न को अपडेट कर लेते हैं, हमारा ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर के हिसाब से पूछा गया है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको क्या कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो उस बग को, लेकिन किसके थ्रू, पैच के थ्रू। जा रखेंगे इसका डी पार्ट आंसर है। ये वाला जो मल्टीपल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने तैयारी करनी है, जब इसको भी करना है पेपर के लिए। द इंटरनेट वाज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी, तो मैं आपको बता दूं कि जो अर्पानेट है ये आपको पता होगा कि कंप्यूटर, अगर इंटरनेट के मल्टीपल के हिसाब से देखे जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है अर्पानेट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। देखिए अगर आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता है तो भी आप इसका आंसर दे सकते थे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी, प्रोजेक्ट भी आ गया एजेंसी भी आ गया, तो किसकी फुल फॉर्म में आ रहा है, अर्पा नेट की फुल फॉर्म में आ रहा है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो आपका ए पार्ट इसका आंसर है, राइट आंसर। तो जा रखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है। अब ये वाला जो मल्टीपल है, जितने भी यूज़र ईमेल यूज़ करते हैं वो बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल। ईमेल का आपको ईमेल एड्रेस है जैसे आपका, इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या हो सकता है। अब ये बोल रहा है कि पहले आपका नाम होता है, फिर एट द रेट होता है, फिर वेबसाइट होती है, फिर देन एट द रेट फिर से होता है, फिर से इन्फो होता है। ऐसा तो नहीं होता कभी आपकी ऐसी जीमेल है, जैसे आपकी जीमेल है तो आपको पता है जीमेल में एट द रेट एक बार ही लग रहा है, जैसे प्रदीप शर्मा एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, एट द रेट एक ही बार लग रहा है, दो बार तो लगेगा नहीं ईमेल एड्रेस में, तो इसको हम क्रॉस कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। फाइनली बाकी वाले भी डिस्कशन करेंगे, आप बता सकते हैं जिसको लग रहा है सही है। सर मैं आपको गूगल पे में थ्रू, हाँ बिल्कुल आप गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, और अकाउंट नंबर में भी सेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बता देना, उसके बाद अपनी रिसिप्ट भी ले लेना। तो यहाँ पे राजू शर्मा ने बी पार्ट, कोनी का बी पार्ट, और हनी शर्मा ने बी पार्ट आंसर किया हुआ है। देखिए आपको पता होगा कि आपकी, देखिए यहाँ पे एट द रेट एक बार आता है, ये जो डी पार्ट आंसर दे रहे हैं ये किस बेस पे दे रहे हैं, क्या मुझे बताएं कि जब आपकी ईमेल एड्रेस है क्या उसमें एट द रेट नहीं आता क्या? कोई भी ईमेल है चाहे वो मेरे नाम की है किसी भी नाम की है, तो एट द रेट तो उसमें आएगा ही आएगा, ये आपको पता होगा। तो बेसिकली ये तो हो ही नहीं सकते थे दोनों, तो लास्ट जो आपका बच गया यही बचता था, नेम पहले होता है। अब नेम तो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे मेरा है किसी और का है, आप उसमें नंबर लगाया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, एट द रेट जी मेल या कुछ भी होगा, फाइनली आपका एट द रेट एक बार होता ही होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ, ये तो आप अपने से भी लगा सकते थे। तो ये जी मेल के हिसाब से देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, इसको आपने तैयार करना है, और ये पेपर में भी दो तीन बार पूछ लिया गया। देखिए बेसिक है, बस आपको थोड़ा सा अगर पता होगा कि मेरी जी मेल है उसमें एट द रेट लगता है ना, तो आप आराम से बता सकते थे। एच टी एम एल इज़ यूज टू क्रिएट, एच टी एम एल किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका राइट आंसर ये आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले एच टी एम एल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एच टी एम एल की फुल फॉर्म है जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एम से मार्कअप एल से लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एच टी एम एल की फुल फॉर्म है। ये किसके लिए यूज़ होता है, ये आपके वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होता है। आप इंटरनेट पे देखते हैं कि जो भी आप साइट खोलते हैं उसके जो पेज बने होते हैं उसको हम वेब पेज बोलते हैं, देन फाइनली ये आपका एच टी एम एल यूज़ किया जाता है, ये भी जा रखेंगे। कुछ यहाँ पे मल्टीपल पहले से लग चुके हैं तो मैं इनको पहले इरेज कर देता हूँ।
काफ़ी सारे मल्टीपल हैं जो पहले में भी इसके आंसर करे हुए हैं, तो जिन्होंने करे हैं उनकी अच्छी बात है, वो आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है द कंप्यूटर, यहाँ पे डब्ल्यू 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 की फुल फॉर्म बतानी है। अब मुझे बताना कि चार बार डब्ल्यू है, अब डब्ल्यू डब्ल्यू की तीन बार डब्ल्यू वाली फुल फॉर्म तो सभी स्टूडेंट को आती होगी, अब चार वाली आ गई तो क्या हुआ, ऑप्शन जो मल्टीपल होते हैं ना इसमें आसानी हो जाती है, आप आराम से आंसर दे सकते हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अब आप फुल फॉर्म बता सकते हैं, जिसको तीन बार डब्ल्यू की फुल फॉर्म आती है वो आराम से इसका आंसर दे सकता है ऑप्शन देख के। तो अंकिता रायपूत और सुशांत जी सरोटिया ने कमेंट किया, सबसे पहले ए पार्ट आंसर है, बिल्कुल डब्ल्यू डब्ल्यू की तीन बार डब्ल्यू होता है उसकी फुल फॉर्म आती है, तो चार वाले की आप दे सकते हो। देखिए डब्ल्यू 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 की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, और वर्ल्ड वाइड आपको वेब सिर्फ ए वाले पार्ट में दिख रहा है, तो दिस इज यही आपका राइट आंसर है ए पार्ट। तो बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ है कोनिका ने भी एंड दीपाशा चौधरी ने भी और राजू शर्मा ने भी, बिल्कुल ए पार्ट राइट आंसर है। अब देखिए मल्टीपल देखा करो, आप चार बार है तो कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब वाला आपको एक ही मिल रहा है तो वही उसका राइट आंसर होगा। जैसे मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि कंप्यूटर में एक फुल फॉर्म पढ़ लो तो बाकी वाली अगर आपके उसके मिलते जुलते आ जाती है तो वही होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ईप्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब रोम की पूछ ले, पी रोम की पूछ ले, ई रोम की पूछ ले, तो जहाँ मर्जी पूछ ले, सी डी रोम की पूछ ले, तब भी रोम रीड ओनली मेमोरी ही बनेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। अगर मान लो कि इंटरनेट से आपने अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल को लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैं ऐसी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपको इंटरनेट से आपने इंटरनेट से अपने मोबाइल में कोई फाइल या कोई सॉन्ग लाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको अपलोडिंग करोगे या फॉरवर्डिंग करोगे या डाउनलोडिंग करोगे, बताओ जल्दी से कमेंट करके। देखिए एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जो आपको एक जगह से फाइल को दूसरी जगह पे भेजता है, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है, यहाँ पे आपसे ये पूछा हुआ है कि इंटरनेट टू योर कंप्यूटर, कि इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में, तो आप बता सकते हैं जल्दी सेगमेंट करके। तो आपको पता ही होगा आप सॉन्ग वगैरह क्या करते हो इंटरनेट पे जाके जब आपने फ़ोन में लाने होंगे, तो जिनको पता है वो राइट आंसर दे सकते हैं। तो कोनी का बोल रही है अपलोडिंग करते हैं, अपलोड तो नहीं करते हो, अपलोड तब करते हो जब आपने भेजने हैं अपने फ़ोन से किसी और को भेजने, जैसे आप अभी पेपर हो रहे हैं तो आप ईमेल करते हो तो आप अपलोड करते हो, है ना, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो। लेकिन अभी राइट आंसर सभी ने दिया हुआ है, सुशांत सरोटिया, हनी शर्मा और राजू शर्मा और अंकिता ने, बिल्कुल कि डाउनलोड करते हो, क्या करते हो डाउनलोड करते हो, जब आपके कंप्यूटर में लाने हैं जैसे इंटरनेट से तो आप क्या करते हो डाउनलोड करते हो, जब आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने हैं तो क्या करते हो, तो आपको अपलोड करना है और उस पर्सन को डाउनलोड करना है, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। अपलोड वो करता है जिसने भेजना है और डाउनलोड वो करता है जिसने लेना है, जो रिसीव करेगा। तो अब आप अपने कंप्यूटर में रिसीव कर रहे हो तो आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा। तो राइट आंसर दिया हुआ सभी ने। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आईपी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। आईपी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट के हिसाब से देखा जाए तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल बनता है आईपी का। तो आईपी की फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए। जैसे किसी का मोबाइल गुम हो जाता है तो बोलते हैं आईपी एड्रेस से ट्रेस कर लो, आईपी एड्रेस दो, तो हर एक जो यूनिक मशीन है उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, सबका अलग अलग होता है, कंप्यूटर का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। तो कोनिका ने बी पार्ट आंसर किया हुआ है और राजू शर्मा ने इंटरनेट प्रोटोकॉल, बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ है। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो बी पार्ट इसका राइट आंसर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें। और हनी शर्मा ने बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ है। और वेबसाइट फ्रंट पेज, मेन पेज, फ्रंट पेज भी बोल सकते हैं, मेन पेज भी बोल सकते हैं, इस कॉल्ड उसको हम क्या बोलते हैं। अब देख लिए वो फ्रंट पेज पूछे चाहे मेन पेज पूछे, तो ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया है, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा, उसको हम बोलते हैं होम पेज। होम पेज आपका मेन पेज होता है, फ्रंट पेज होता है। वेबसाइट जब आप खोलते हो तो सबसे पहला जो पेज आता है उसको हम क्या बोलेंगे, होम पेज बोलेंगे। यहाँ पे ये जो मल्टीपल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल है। देखिए जो इंटरनेट सिलेबस है ना, जो भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो, अगर उसमें इंटरनेट है
तो उसमें ये एक मल्टीपल ऐसा है, इसमें से एक मल्टीपल जरूर आता है। वो कैसे आता है मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ें कुछ याद रखनी पड़ेंगी। सर्च इंजन, अब सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन का मतलब है कि मान लो कि देखिए, अब गूगल है, जैसे गूगल है, ये गूगल क्या है? ये आपका एक सर्च इंजन है। इसमें आप क्या करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, कोई डाटा इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप गूगल में आराम से निकाल सकते हो। तो फाइनली आपको बताना है कि इसमें से जो सर्च इंजन नहीं है वो बताना है, जो सर्च इंजन नहीं है वो बताना है। और जो गूगल है हमारा, ये 17 नंबर पे आया था सर्च इंजन। 17 नंबर पे जो सर्च इंजन आता है ना, वो हमारा गूगल है, ये भी जा रखेंगे। तो हनी शर्मा ने डी पार्ट आंसर किया हुआ है, प्रियंका ने शर्मा ने भी डी पार्ट आंसर किया हुआ है। जाहू इट इज़ अ वेबसाइट, नहीं, जाहू भी सर्च इंजन है। देखिए, चाहे आप गूगल www.google.com लगाएं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वेबसाइट है, वो भी आपका ये सर्च इंजन ही है। क्योंकि गूगल जब खुलता है तो उसके अंदर आप क्या करते हो, डाटा को कुछ भी सर्च कर सकते हो। ऐसे भी आप जाहू भी लगा सकते हो, तो गूगल में आप जाहू लगाओगे तो वो जाहू ही खुलेगा, लेकिन उसके अंदर भी आप कुछ भी डाटा सर्च करवा सकते हो, या कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है निकाल सकते हो। तो जाहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, और जो आपका बिंग है ये भी आपका सर्च इंजन है। अल्टा बिस्ता जो भी आपके आगे, यहाँ पे विंडो जो आपकी है, ये विंडो आपकी सर्च इंजन नहीं है। विंडो क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपको पता होगा, नॉट अ सर्च इंजन पूछा हुआ है। डी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर किया, और प्रियंका शर्मा, हनी शर्मा और दीपाशा चौधरी ने। तो राइट आंसर इसका विंडोज़ है। ये पूछा हुआ है, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। तो इंटरनेट का ये मल्टीपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट पे आप क्या करते हो, लॉगिन करते हो और पासवर्ड लगाते हो। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, नेम और पासवर्ड लगाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। तो ये आपको याद रखना है, ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। सी पार्ट इसका आंसर है। एंड फाइनली नेक्स्ट वाले मल्टीपल पे चल रहे हैं। तो ये जो मल्टीपल है इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है ये आपको बताना है। क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो विंडो 7 है, विंडो 8 10 है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता। क्या ये कंपाइलर है? कंपाइलर भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाइलर मैंने बताया हुआ है जो क्या करता है, होल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ये कंपाइलर भी नहीं हो सकता। बचे दो, एक ब्राउज़र बच रहा है, एक आईपी एड्रेस बच रहा है। तो इसमें से आप आंसर दे सकते हो जिनको पता है। तो विधि शर्मा और राजू शर्मा ने कहा सी पार्ट इसका आंसर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र क्या चीज़ होती है, जिसमें हम इंटरनेट चलाते हैं। मतलब ब्राउज़र है एक, मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटरनेट चला रहे हैं, तो इंटरनेट ब्राउज़र हो गया ये। लेकिन उन्होंने पूछा इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कैटेगरी में आता है, तो ये ब्राउज़र की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा भी दो तीन आपको जा रख लेने चाहिए। जैसे अभी हनी शर्मा ने कमेंट किया सी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है, ओपेरा मिनी। जो ओपेरा मिनी, ये भी आपका इंटरनेट ब्राउज़र है, ब्राउज़र है। एंड फाइनली जो गूगल क्रोम सबसे फेमस है, गूगल क्रोम। तो क्रोम लिखा होता है, कई बार CHROME लिख रहा हूँ मैं। क्रोम जो है, ये भी आपका क्या है, ब्राउज़र है, जिसके अंदर हम इंटरनेट चला रहे हैं। तो आपको पता ही है ये हमारा ब्राउज़र है। गूगल क्रोम भी आपका ब्राउज़र है। एंड फाइनली जूसी ब्राउज़र। जूसी आपको पता ही है, आप चलाते हो, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन में यूज़ होता है इसका, इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर में भी यूज़ किया जाता है। एंड एक और जा रखें, मोज़िला फायरफॉक्स। जो मोज़िला फायरफॉक्स है, ये भी आपका ब्राउज़र है। सबसे पहले ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एंड फाइनली आपको जा रख लेना मोज़िला फायरफॉक्स।
इनके सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये आपको इसमें से ही आपको इंटरनेट वाला अगर कोई मल्टीपल आता है ना, इसको गमा यहाँ से इसको ही पूछ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मल्टीपल इस पे बनता है या मल्टीपल एक बनता है सर्च इंजन पे कि कौन सा सर्च इंजन है और कौन सा नहीं है। तो ये जो फुल फॉर्म है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW इन वेब एड्रेस, ये हमने पहले भी की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैक्सिमम बच्चों को पता होती है। तो इसका आंसर ए पार्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये सबको पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, ये जो WWW है, ये WWW वाला कौन सा WWW है? जो हम इंटरनेट पे क्या करते हैं, कोई वेबसाइट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, WWW, तो governmentjob.com, ठीक है। कुछ भी लगाते हैं तो WWW हम ज़रूर लगाते हैं, उससे क्या होता है वो जल्दी से सर्च होके हमारे पास आ जाता है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। तो वो WWW वो वाला, उसकी फुल फॉर्म है। एक WWW वाली शायद रेसलिंग भी होती है, उसका नहीं है, ये भी याद रखें। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ लिया गया आपसे फुल फॉर्म ऑफ HTML। दो फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, एक HTTP, इंटरनेट के हिसाब से देख रहा हूँ मैं, तो एक ये फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, IP की फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है और HTML की फुल फॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जीवन ने कमेंट किया हुआ है कि इसका ए पार्ट आंसर है, कोनिका ने किया हुआ है ए पार्ट आंसर है, तो बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ए पार्ट इसका आंसर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल है ये इंटरनेट के हिसाब से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और काफ़ी सारे एग्जाम में आ चुका है। जो इंटरनेट का सिलेबस होता है उसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTTP की फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एंड अगर FTP की आ जाए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए TP की क्या बन रहा है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ही बन रहा है। तो अगर आपको ये वाली पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो अब आपको इस प्रकार की कोई फुल फॉर्म दिखाई देती है तो आपको ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जा रखना है, नेक्स्ट वाला मल्टीपल कोई ना कोई उसमें आपका आंसर मिल ही जाएगा। तो ये जा रखें, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। अगर मान लो कि आपने दो वेबसाइट खोली हैं, एक वेबसाइट से आपको दूसरी वेबसाइट पर जाना है, तो एक वेबसाइट चला रहे हो, दूसरी वेबसाइट पर आपने मूव करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, जल्दी से कमेंट कर सकते हैं जिनको पता है, तो प्रतीक शर्मा बोल रहा है उसको हम डाउनलोडिंग बोलते हैं। बेसिकली हमें ये नहीं बोला हुआ है कि फाइल भेजनी है जहां हमें कुछ डाटा डाउनलोड करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ उन्होंने। उन्होंने बोला हुआ है मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, कि अगर आप एक वेबसाइट पे हो और दूसरी वेबसाइट पे आपको जाना है, डाटे की बात हो ही नहीं रही, यहाँ पे डेटा की कोई बात नहीं हो रही, तो उसको क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग नहीं हो सकता, अपलोडिंग नहीं हो सकता। क्योंकि जब फाइल की बात आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए कि आपको कंप्यूटर से डाउनलोड करना है अपने सिस्टम के अंदर या सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर करना है, तो ऐसी बात आ सकती है, लेकिन मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट इज़ कॉल्ड उसको बोलेंगे। तो हनी शर्मा ने बिल्कुल राइट आंसर दिया और राजू शर्मा ने कहा ब्राउजिंग, बिल्कुल राइट आंसर है, उसको हम ब्राउजिंग बोलते हैं। और काफ़ी सारे बोलते भी रहते हैं लड़के कि ब्राउजिंग ब्राउज़र है जो हमारा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, मतलब अलग अलग वेबसाइट खोलते हैं, उसको हम ब्राउजिंग बोलते हैं। तो प्रतीक शर्मा ने अभी राइट आंसर किया हुआ है ब्राउजिंग। अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय, आइडेंटिफाइड मतलब पहचाना जाता है। तो किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी आप मोबाइल को पहचान सकते हो किसके द्वारा, कैसे पता चलेगा ये वही कंप्यूटर है, इंटरनेट के ऊपर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, फ़ोन भी कभी गुम हो जाते हैं तो बोलते हैं, कि ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक फ़ोन की या एक कंप्यूटर की, मतलब एक मशीन है उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। जैसे हमें अलग अलग नाम दिए जाते हैं हमारी एज के हिसाब से और एड्रेस के हिसाब से ढूंढा जा सकता है हमें कि हम कहाँ पे हैं, तो ये चीज़ें मशीन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे सबसे पहला कमेंट आया हुआ है सुशांत जसरोटिया कोनिका का और विधि शर्मा ने सी पार्ट आंसर किया हुआ है, जीवन दीपाशा चौधरी, हनी शर्मा,
तो राजू शर्मा ने बिल्कुल राइट आंसर किया, और प्रतीक ने भी कहा कि इसको हम आईपी एड्रेस से ढूंढ सकते हैं। तो ये आपको पता होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल था ये, क्योंकि आपको पता है आइडेंटिफाई पहचानना होगा तो आईपी एड्रेस ही मांगते हैं, फ़ोन का भी बोलते हैं आईपी एड्रेस दो, हम फ़ोन को ट्रेस करते हैं हर एक फ़ोन का, और हर एक का आपको पता है कि जो मशीन है उसका अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट इनिशियल डेवलपमेंट वाज सपोर्टेड बाय, तो ये मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में भी, हमने ये कर लिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था अर्पानेट। तो जी जो अर्पानेट है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एडवांस, ए से एडवांस, आर से रिसर्च, पी से आपका प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी, एंड एन ई टी से बन गया आपका नेटवर्क। तो ये आपको याद रखना है। आईबीएम की फुल फॉर्म आपको पता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो नेक्स्ट वाले मल्टीपल पे जा रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल है आपका इंटरनेट का, इंटरनेट के जो मल्टीपल है ना इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे आपका HTML की फुल फॉर्म वगैरह आ गई, इसमें ये वर्ल्ड वाइड वेब वाज प्रपोज्ड बाय। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट पे हमें कोई भी अगर साइट सर्च कर रहा है तो हम WWW बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करते ही करते हैं। लेकिन पूछा गया ये गया कि वर्ल्ड वाइड वेब वाज प्रपोज्ड बाय, अब देखिए बिल गेट्स नहीं हो सकता, बिल गेट्स है जो माइक्रोसॉफ्ट का है ये आपको पता ही है, तो ये तो हो नहीं सकता इसमें, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। आप दो तीन में से देख सकते हो, और यहाँ पे जीवन ने सबसे पहले कमेंट किया हुआ है कि इसका आंसर सी पार्ट है, तो बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ है टिम बर्नर ली। तो जा रखें टिम बर्नर ली ने क्या किया था, वर्ल्ड वाइड वेब को यहाँ पे ये अपना इस आपने जा रख लेना है, वर्ल्ड वाइड वेब बस प्रपोज बाय, इसने प्रस्ताव रखा था इसका टिम बर्नर ली ने, ये आपको जा रखना है। तो प्रियंका शर्मा की सभी राइट आंसर करेंगे बाद में। तो एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के यूजेस बताने हैं आपको, जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। देखिए इंटरनेट पे कम्युनिकेशन सबसे पहले क्या होता है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, किसी को कुछ प्रेजेंट करना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कुछ प्रेजेंट कर रहा हूँ, या कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं हम आपस में, बातें कर रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं ये कम्युनिकेशन में आ जाता है। एंड फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, डी पार्ट इसका आंसर है। तो हनी शर्मा ने बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ है, राजू शर्मा ने और प्रियंका शर्मा ने भी राइट आंसर किया हुआ है डी पार्ट। नेक्स्ट वाला जो मल्टीपल है डॉट नेट डोमेन इज यूज्ड फॉर, तो जो डॉट नेट का डोमेन होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं ये डोमेन क्या चीज़ है, देखिए डॉट नेट का डोमेन आपको बताना है, देखिए मैं आपको क्या बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ www.jkgovernment.in, कभी मैं इन बोल देता हूँ, कभी मैं डॉट कॉम बोल देता हूँ, तो जो डॉट के बाद मैं बोल रहा हूँ, तो ये मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। अभी एक न्यू सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं विकास, तो उसने कहा कि बी पार्ट आंसर है, तो बाकी वाले भी कमेंट कर दे जल्दी से। प्रतीक ने कहा बी पार्ट आंसर। अब देखिए www.jkgovernment.in, इनका मतलब है इंडिया, कि इंडिया की ये आपकी जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं ये इंडिया की है, तो ये आपको डॉट इन से पता चल गया। अब डॉट कॉम भी होता है, डॉट कॉम मतलब हम कहीं भी वो सर्च कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। एंड फाइनली ये तो आपको पता ही है, लेकिन IN से क्या बन रहा है, इंडिया बन रहा है। अब ये बोल रहा है कि डॉट नेट भी हो सकता है, अगर jkgovernment.net कहूँ तो नेट का क्या मतलब होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर किया था विकास ने पहले, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो बी पार्ट इसका आंसर है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर, बाकी वाले भी कमेंट कर सकते हैं। अब ये URL की फुल फॉर्म है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। URL आपको पता है कि कोई भी, जैसे मैं वेबसाइट पे विजिट करना है उसका मुझे URL पता होना चाहिए, देन मैं सर्च करूँगा उसके बाद मैं उस वेबसाइट पे जा सकता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इंटरनेट का मल्टीपल है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये तो SSC में ही 3 बार पूछ लिया गया था, जब GD के SSC के एग्ज़ाम हुए 2-3 बार तो उसमें आया हुआ है, तो ये आप जल्दी से बता सकते हैं URL की फुल फॉर्म। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं आपको, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ ये,
तो सबसे पहला आंसर है जीवन का ए पार्ट आंसर है दीपाशा चौधरी, ए पार्ट सुशांत जसरोटी, ए पार्ट सुमित वर्मा ने अभी कमेंट किया हुआ है, ए पार्ट आंसर है प्रियंका शर्मा ने ए पार्ट आंसर किया हुआ है, विकास ए पार्ट आंसर और प्रतीक शर्मा बिल्कुल राइट आंसर। सभी को पता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, अच्छी बात है सभी को पता है। तो ये इम्पॉर्टेंट था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल था और आपको आता भी है, अच्छी बात है। एंड फाइनली नेक्स्ट वाले पे चल रहे हैं, और बाकी जितने भी सब्सक्राइबर न्यू जुड़ चुके हैं उनको मैं बता दूं कि 11 to 12 डेली क्लासेस होती हैं, तो आप लाइव अटेंड कर सकते हो मेरे स्टूडेंट के साथ। बेनिफिट ऑफ ईमेल आर, ईमेल का क्या क्या बेनिफिट है? देखिए स्पीड बहुत ज़्यादा है, कि मान लो कि अगर कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ईमेल करता है तो बिल्कुल बहुत जल्दी पहुंच जाएगी वो। कॉस्ट बिल्कुल कम है, बिल्कुल कॉस्ट कम है, कोई ईमेल के पैसे नहीं लग रहे हैं, इंटरनेट यूज़ करो जितनी मर्जी पे सेंड करते रहो। रिकॉर्ड कीपिंग, अब रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब है कि इसका रिकॉर्ड रहता है। मान लो कि आज अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो इंटरनेट पे क्या कर रहे हो, अभी सारे टीचर क्या कर रहे थे, जीमेल आपको बोल रहे थे कि ईमेल कर दो हमें, सारे आप जीमेल पे सेंड कर रहे थे, जो भी आईडी पे सेंड कर रहे थे। अब क्यों, उसका रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ, कि उसका एक रिकॉर्ड रह जाता है। अगर मान लो कि 1 ईयर के बाद भी आप उन्होंने क्या करना, आपका रिकॉर्ड निकालना है, उनसे वो रिकॉर्ड कंप्यूटर से डिलीट हो गया है, तो वो क्या करेंगे, जीमेल से ही आपकी फ़ाइल फिर से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। इवन कि आप भी जो पहले एक 1 ईयर पहले कोई चीज़ भेजी है आपको नहीं मिल रही है, तो आप जीमेल पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट किया हुआ है विकास, सुशांत जसरोटिया, प्रतीक शर्मा ने, डी पार्ट इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। तो कुछ फीचर मैंने समझा दिया, अब ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। WW provides standardized access to, तो ये सारे होते हैं टेलीनेट, FTP, all of above, इसका आंसर है डी पार्ट। नेक्स्ट वाला जी जो मल्टीपल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेट ब्राउजर में से मैंने आपको बोला था ये वाला आपसे मल्टीपल पूछ लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर, कि जो इंटरनेट ब्राउजर नहीं है वो बताना है आपको, जो इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। इंटरनेट ब्राउजर होता है जिसमें हम इंटरनेट नहीं चलाते, तो मुझे बताएं कि कंप्यूटर के अंदर आप क्रोम किस लिए यूज़ करते हो, इंटरनेट चलाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्राउज़र तो है ये, लेकिन इंटरनेट चलाएंगे तो इंटरनेट ब्राउज़र है, तो इसमें तो हम इंटरनेट चला रहे हैं तो ये इंटरनेट ब्राउज़र है, बी पार्ट इसका आंसर नहीं हो सकता। एंड फाइनली ओपेरा मिनी जो आपका होता है ये भी किसके लिए होता है, ये भी आपका इंटरनेट ब्राउज़र है, और जो आपका मोज़िला फायरफॉक्स है वो भी इंटरनेट ब्राउज़र है, और जो आपका, तो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ ए पार्ट, तो मैं आपको बता दूं कि जो नेटस्केप है, नेविगेटर है, ये भी आपका इंटरनेट ब्राउज़र है, ये भी आपका क्या है, इंटरनेट ब्राउज़र है। आप अब याद रखोगे नेटस्केप, नेविगेटर इंटरनेट ब्राउज़र है, क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र है, मोज़िला फायरफॉक्स आपका इंटरनेट ब्राउज़र है, ओपेरा इंटरनेट ब्राउज़र है, एंड फाइनली इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका इंटरनेट ब्राउज़र है। और ये जो सी पार्ट इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे पूछा इज़ नॉट एन इंटरनेट ब्राउज़र, तो इसका सी पार्ट आंसर है, जा रखेंगे सभी, इसका सी पार्ट आंसर है। अब क्योंकि मैं माउस के साथ लिखता हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़े दिन के बाद हमारा टैबलेट आ जाएगा, उसमें आपको अच्छे से पूरा करवाया जाएगा थ्योरी का, तो तभी हम अकाउंट की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, वो पूरा प्रैक्टिकली करवाएंगे A to Z। ये जो पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट शुड बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि आपको कितनी रैम की जरूरत होती है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, तो ये आप बताएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे, जल्दी से कमेंट कर दे सभी स्टूडेंट, विकास ने कमेंट किया सी पार्ट इसका आंसर है, तो जल्दी से बाकी वाले भी कमेंट कर दें जिनको पता है। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है रैम की, कितनी रैम चाहिए आपको, मिनिमम होता है कम से कम, तो ये मल्टीपल इम्पॉर्टेंट है, जा रखेंगे, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दें जिनको पता है। इसका आंसर आपका सी पार्ट है, विकास का बिल्कुल राइट आंसर है सी पार्ट, 32 MB, तो ये आपने जा रखना है जी। जो मल्टीपल है यहाँ पे ये गलती हो चुकी है, यहाँ पे मॉडम है, अ मॉडम, मॉडर्न कोई वर्ड नहीं बन रहा, यहाँ पे अ मॉडम
जा रखेंगे, अ मॉडम इज नॉट नीडेड व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू। तो ये आपका मॉडम है, इसका आंसर बताना है जल्दी से कमेंट करके। तो हनी शर्मा ने ए पार्ट आंसर किया हुआ है, बाकी वाले भी कमेंट कर सकते हैं जल्दी से। अ मॉडम इज नॉट नीडेड व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू, प्रियंका शर्मा ने कहा ए पार्ट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर है लैन। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये इसका ए पार्ट आंसर है और इंपॉर्टेंट है, जा रखेंगे। अब आपको ये जो मल्टीपल है ये भी इंपॉर्टेंट है, जा रखना है। इन ऑर्डर टू यूज केबल फॉर ब्राउजिंग वेब यू विल नीड, कि आपको अगर यहाँ पे ब्राउजिंग करनी है तो उसके लिए वेब मतलब इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, यू विल बी नीड, कि आपको किसकी किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सभी ने कमेंट किया हुआ ए पार्ट। तो मैं बता दूँ, केबल मॉडम की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नेटवर्क इंटरफेस जो कार्ड होता है इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है, ये भी जा रखेंगे। जैसे आपकी टच स्क्रीन है, मैंने बताया था टच स्क्रीन क्या होती है, इनपुट भी होती है आउटपुट भी होती है। मॉडम आपका इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है, कुछ चीज़ें होती है जो इनपुट भी हैं आउटपुट डिवाइस के अंदर भी आती हैं। तो NIC भी आपका इनपुट भी है आउटपुट भी है, ये भी जा रखेंगे। तो फाइनली इसका आंसर सी पार्ट है। राजू शर्मा ने बिल्कुल राइट आंसर किया, सुशांत सरोटिया ने बोथ ऑफ अबव, दोनों केबल ऑफ केबल मॉडम और इन। देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का मतलब है कि अगर आपको बेसिकली अगर आप नेट चला रहे हो तो उसके लिए आपको इस नेटवर्क भी ज़रूरी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारा CPU के अंदर यहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो मिनिमम बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम होता है कम से कम। अब ये इंटरनेट के मल्टीपल है तो इंटरनेट की आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो ये आपको जा रखना है बी पार्ट इसका आंसर है। पेपर के लिए तैयार नहीं करोगे। 256 KBPS, KBPS की फुल फॉर्म पता होगी, किलो वाइट पर सेकेंड। मेमोरी यूनिट पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होगी। ये जो मल्टीपल है 335 वाला, इसका आंसर सी पार्ट है, आप करोगे नहीं ये वाला, इम्पॉर्टेंट नहीं इतना और ना किसी पेपर में आया हुआ है। ये वाला जो 336 वाला, इसका कमेंट सभी कर सकते हैं। TCP स्टैंड फॉर, ये इम्पॉर्टेंट है, TCP की फुल फॉर्म बतानी है आपको। TCP की लास्ट मल्टीपल है हमारा, तो जल्दी से कमेंट कर दे, TCP की फुल फॉर्म बतानी है आपको। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने बताया था कुछ स्टूडेंट उस टाइम पर ज्वाइन नहीं हुए थे, आज लास्ट डेट है, आपने जिन्होंने भी फीस सबमिट करवानी है वो करवा सकते हैं अभी। तो यहाँ पे जीवन ने कहा है बी पार्ट आंसर है, राजू शर्मा ने कहा सी पार्ट आंसर है, दीपाशा चौधरी ने भी सी पार्ट आंसर किया हुआ है, बाकी सारे सी पार्ट आंसर कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट। एंड फाइनली जो आंसर है वो जीवन का आंसर बिल्कुल राइट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल। देखिए FTP जो आपका था, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो आपका T और P एक साथ था, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP। तो जो आपका TP एक साथ था वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वाली जो आप सेंस लगा रहे थे, जो भी आप मेथड लगा रहे थे वो सही था, लेकिन यहाँ पे आपका T अलग है, C अलग है और P अलग है। तो फाइनली आपने जा रखना है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका आंसर है। बाकी जैसे सुमित वर्मा और प्रतीक और भी 3-4 स्टूडेंट हैं, इन्होंने भी फीस सबमिट करवा दी, इनकी लास्ट डेट है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है मुझे बता सकता है। और IP की फुल फॉर्म अभी आपने बताई है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये आपका राइट आंसर है बी पार्ट। बाकी जो नेक्स्ट वाले मल्टीपल है वो हम कल करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट मल्टीपल है। और जितने भी अभी मेरे सब्सक्राइबर न्यू आए हुए हैं, कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, और अगर आपको ये बुक चाहिए तैयारी करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप क्लासेस लगाने के बाद, जैसे हमारे ये 1500
जो MCQ वाली सीरीज है ख़त्म होती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये इस बुक को मैंने लिखा हुआ है, फाइनली आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की फ्यूचर में तैयारी करनी होगी, इवन कि वो मेरे स्टूडेंट है वो सारे के सारे इसी बुक को पढ़ लें सिर्फ, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी एग्ज़ाम की बोल रहा हूँ, चाहे वो ऑल इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये इनफ मटेरियल है कंप्यूटर का। तो नेक्स्ट क्लास कल आपकी 11 बजे होगी। अब मैं क्लासेस जो कर रहा हूँ वो थोड़ी सी शॉर्ट कर रहा हूँ, 40 या 45 मिनट की क्लास लूँगा, 45 मिनट काफ़ी होते हैं क्लासेस के लिए। एंड फाइनली आपको थ्योरी के पार्ट हैं कुछ, जैसे कुछ बच्चे सुजेस्ट भी कर रहे हैं तो वो मतलब अगर कुछ डाउट है तो वो भी बता सकते हैं, जैसे कोनिका ने कहा प्रिंटर के ऊपर एक क्लास चाहिए तो बिल्कुल क्लास देंगे। एंड फाइनली एक राजू शर्मा ने कहा हुआ है कि एक क्लास हमें इस प्रिंटर पे चाहिए, एक क्लास हमें रैम के रिलेटेड जो आपकी मेमोरी के रिलेटेड है उसमें डिटेल में चाहिए, वो भी देंगे क्लास। और भी कुछ क्लासेस हैं, अगर आपको कुछ डाउट है तो कुछ भी डिटेल में अगर आपको चाहिए वो थ्योरी भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी बड़ी जल्दी, और आपके नोट्स भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई स्टूडेंट है, किसी को डाउट है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कंप्यूटर के रिलेटेड, चाहे वो बेसिक का कोर्स कर रहा है चाहे वो एडवांस का कोर्स कर रहा है। बट वो पहले टॉपिक के, अगर आप टॉपिक के ऊपर चाहते हैं तो वो पहले कमेंट कर दें, क्योंकि पहले कमेंट किया होगा तो हम उस पर टॉपिक बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, वरना फिर हम अकाउंट स्टार्ट कर देंगे। तो बाकी सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ है। तो कल 11 बजे क्लास होगी, आज के लिए इतना ही। और जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है तो सभी टाइम से कर दें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है।